मतलब उनकी ये मिसाल दी जाती है वज़ीर आज़म बने कि 22 साल उन्होंने पार्टी चलाई और 23वें साल में वो हुकूमत में आ गए। तो 22 साल तक उन्होंने बिल्कुल ऐसे क्या जैसे क्रिकेट मैच में बॉलिंग की जाती थी, तो 22 साल तक उन्होंने बॉलिंग की और सियासत में अपोजिशन की। तो 22 साल की जो प्रैक्टिस थी उनकी वो अपोजिशन की थी और बॉलिंग की थी। 22 साल बाद जब बैटिंग के लिए आए तो सारी प्रैक्टिस तो बॉलिंग की थी, तो बैटिंग क्या करें। तो अपोजिशन की सियासत के वो ट्रेन हुए और अब अगर बैटिंग में आएंगे तो बैटिंग कहाँ से कर सकते। तो ये है उनका मसला कि अब हुकूमत में आकर भी उनका मूड जो जहन है उनका वो अपोजिशन वाले ही, और वहाँ बैठ कर भी वो आवाम को और लोगों को यही कहते हैं कि ये करप्ट थे, ये बदउनवान थे, लेकिन आज तक एक पैसा स्विट्ज़रलैंड के बैंकों से वापस नहीं ला सकते। आज तक एहतसाब का कोई केस अपने मंतखी अंजाम पर पैसा वापस नहीं आया, कोई केस मंतखी अंजाम तक नहीं पहुँचा बदउनवानी का, और नमाजें बख्शवाने के रोज़े गले पड़ गए। कमी इसलिए हुई कि सूबाई खुद मुख्तारी जब 18वीं तरमीम में गई इख्तियार और इख्तदार और बहुत सारे हुकूमती उमूर, तो गड़बड़ ये हुई कि 7वें कौमी मालियाती अवार्ड में ढेर सारे वसाइल भी चले गए, उन वसाइल की वजह से मरकज़ को नुकसान पहुँचा। ये गलत तासुर है कि 18वीं तरमीम में नुकसान पहुँचा। अगर इमरान खान और PTI मेरी इस बात को समझ ले कि भाई आप आइन में तरमीम करें और बल्दियाती उमूर को प्रोटेक्शन दें, 140A की मेरी पिटिशन चला दें और वहाँ से क्लियर करा लें सुप्रीम कोर्ट से कि 140A का मतलब क्या है, तो सूबे बेकार हो जाएंगे, बल्दियाती इदारे मौसर हो जाएंगे, फिर डायरेक्टली वो फंड। और 8वां मालियाती कौमी अभी जब कमीशन हो तो उसमें सूबों से कुछ वसाइल ले लें, मैं इसके हक में हूँ। 18वीं तरमीम को रोल बैक ना करें, उसको वापस ना लें, लेकिन जो सूबों को वसाइल साथ में कौमी मालियाती कमीशन में गए वो 8वें कौमी मालियाती कमीशन के जरिए से कुछ वसाइल वापस लें, कुछ वसाइल वापस लें, मैं इसके हक में हूँ, और उन वसाइल से बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, बरहरस बल्दियाती इदारों को फंड्स दें, फिर देखें PTI भी कामयाब हो जाएगी और कराची में उनके MNAs MPAs मेयर के साथ मिल के काम करें तो दोनों का नाम होगा, मेयर का, मेयर की पार्टी का और PTI का भी। लेकिन उन्हें तरीका ही नहीं पता कि रास्ता कैसे निकालना। मुझे मैं मुफ्त मशवरा दूंगा, अगर वो मुझसे मशवरा लेना चाहें पहले 2 घंटा दें मुझे इमरान खान, उनकी बहुत सारी गलतियों की, गलत तरजीहात की, नाकिस कारकर्दगी की, ना अहली की और ना तजर्बेकारी की और फिर नालायकी की वजह से जो इस नुकसान हो रहा है वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है अगर वो थोड़ा सा कुछ मेरे तजुर्बे से सबक सीख लें। ले मेरे तजुर्बों से सबक, ऐ मेरे रफीक, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ। तो ये अपने मतलब रखीब होना अब अलग बात है, लेकिन रखीबों से भी मशवरा किया जा सकता है।